सो हेलो गाइस, एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं सुनाना चाहूँगा। स्कूल के दौरान या फिर कॉलेज के दौरान पता नहीं, बट मैं एंड मेरा एक दोस्त प्रतीक्षित शेट्टी, सो लो परल के साइड बिल्डिंग है और एक स्कूल के साइड भी हमारे एक बिल्डिंग है। हम लोग जस्ट पास ऑन हो रहे थे और पास ऑन होते होते ही मैंने अपने दोस्त को बोला कि यार ऐसे वाले बिल्डिंग में, इतने बड़े वाले बिल्डिंग में काम करने के लिए किधर मिल जाए। तो दोस्त बोला था हाँ हो जाएगा एक दिन। तो उसके बाद तो हम लोग ने कुछ ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे हम लोग ग्रेजुएट हुए, सो फिर ग्रेजुएट होने के बाद मैं और मेरा दोस्त जॉब ढूंढने के लिए लग गए। मेरा दोस्त को कहीं से कोई रिलेटिव के पहचान या वॉट एवर तो कुछ था, उधर से उसको कॉन्टैक्ट मिला, वो इंटरव्यू जाके आया और वो सेलेक्ट हो गया। तो वो सेलेक्ट होने का मुझे बताया कि ऐसा ऐसा जगह है यहाँ पर मैं सेलेक्ट हो गया। तो वो जगह यही थी पेनिनसुला का, और वो सिप्ला के लिए काम कर रहा था एज अ थर्ड पार्टी ऑल्सो। सो वी स्टार्टेड बोथ वर्किंग ओवर देयर। 3-4 महीना साथ में काम किए एंड हम लोग काम एंजॉय कर रहे थे। फिर आगे जाके कंपनी का ट्रांसफरिंग हो रहा था आईरोली साइड, सो हम लोग ने 1 मंथ कुछ ट्रैवल भी किया फिर। बट उसके बाद वो ट्रैवलिंग इशू बहुत हैक्टिक था, लाइक प्रभा देवी से दादर, दादर से ठाणे से आईरोली, एंड सैलरी पैकेज भी कम था, सो उसमें कुछ मैनेज नहीं हो रहा था। सो हम लोग को वो जॉब छोड़ना पड़ा। सो वो जॉब छोड़ने के बाद फिर हम लोग वापस घर पे बैठे थे। सो दोस्त और मैं हम लोग सब ढूंढ रहे। फिर दोस्त को वापस से कोई रिलेटिव ने उसको जॉब पे लगा दिया, तो वो सेटिंग पे कुछ लग गया जॉब पे, कहीं पे कहाँ पे, पर जब मैं कुछ वहाँ पे नहीं लग सकता। सो उसके बाद लगभग कुछ 2 से 3 महीने कुछ मैं घर पे था, किधर जॉब ढूंढ रहा हूँ तो जॉब अवेलेबल नहीं। तो उसी वक्त एक दोस्त मेरे कॉलेज की, श्वेता राठौड़ के नाम की, उसने ये जॉब रेफ़र किया। वो यहाँ पे इंडिया बुल्स में काम करती थी, सो उसने मुझे रेफ़र किया, बोला कि यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू आ जाए, विजय सर करके नाम है, वो तेरा इंटरव्यू लेंगे, पर्सनल लोन की कंपनी है, कॉलिंग का जॉब होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कॉलिंग जॉब मुझे करना ही नहीं था लाइफ में, बट मजबूरी थी कि वो जॉब मेरे को वो फील्ड सेलेक्ट करना पड़ा है, किधर जॉब अवेलेबल नहीं थे। सो वहाँ पे गया, इंटरव्यू राउंड क्लियर हुआ, सेलेक्ट हुआ, यहाँ से वो जर्नी मेरी है इंडिया बुल्स में भी स्टार्ट हो गई। फिर ये ट्रेनिंग डेज, तो वो ट्रेनिंग डेज हम लोग के एकदम ब्यूटीफुल थे। हम लोग ट्रेनिंग डेज इंजॉय कर रहे थे, पूरा बैच 25 लोगों का बैच था, अराउंड 25 से 22 लोगों का बैच। सो ट्रेनिंग डेज तो बहुत अच्छे से गया, तो ट्रेनिंग टाइम में बहुत सारे दोस्त बने। सो जैसे ही ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म हुआ हम लोग फ्लोर पे गए। फ्लोर पे जाते ही सबसे पहले मेरा सिलेक्शन हो गया था स्नेहा मैम के टीम में, जहाँ पे ऑफलाइन प्रोसेस था। सो कुछ वहाँ पे हफ्ता निकला, देन उसके बाद में मेरा जो ट्रांसफ़र था वो शेल्डन सर की टीम में गया। सो ये शेल्डन सर, सो ये सर के बारे में क्या बताऊँ, सबसे बेस्ट जो कंपनी में मेरे को आज तक मिला है एज अ टीम लीडर। बट ये दोस्त बढ़िया है, इनको पता है ये सर को कि कैसे किससे काम करवा के लेने का, एकदम फ्रेंडली नेचर थे कि हाँ ठीक है हो जाएगा, टेंशन मत लो हो जाएगा, सही कूल रहते थे मोस्ट ऑफ टाइम। तो और पूरा टीम को फ्रीडम दिया हुआ था, ये TL मिलना नसीब था मेरा। सो यस, यहाँ से फिर हम लोग की जर्नी स्टार्ट हुई एक ऑनबोर्डिंग प्रोसेस करके, फिर उसके बाद लोन प्रोसेस में सब कुछ अच्छा चल रहा था, वी वर इन्जॉइंग। बट सडनली एक दिन आया और वो दिन था 14th February 2019। सो ये दिन मेरी टीम सब लोग को याद रहेगा, बिकॉज ये दिन सबसे गंदा दिन था, बिकॉज ये दिन के वक्त जहाँ पे लोग प्यार सेलिब्रेट कर रहे थे और मेरे कॉलेज में फाउंडेशन भी था, सो और मैं यहाँ पर ऑफिस में था। ये दिन के बाद से कुछ ही महीनों में शेल्डन सर हम लोग के टीम से अलग हुए, उनको दूसरे टीम में शिफ्ट कर दिया गया और हमारे लिए एक नई TL अपॉइंट हुई प्रणाली मैम के नाम की। देन हम लोग ने होली फेस्टिवल सेलिब्रेट किया और उसके बाद से फिर हम लोग की टीम परफॉर्म करने लगी, उनमें टॉप 5 में रहने लगा। देन टीम को इंसेंटिव्स मिलना चालू हुआ, मुझे भी इंसेंटिव्स मिलना चालू हुआ, बिग बाजार का हो, अमेजोन का हो, या फिर ICICI लोम्बार्ड का हो। फिर वो दिन भी आ गया जिस दिन मैं
टॉप परफॉर्मर ऑफ द मंथ था अगस्त का, जब मेरा बर्थडे था वो मंथ में परफॉर्म किया, परफॉर्म ऑफ द मंथ था। सो हमारी सईदा मैम मैनेजर है, उन्होंने एक बात बोली थी कि दरअसल अपनी टीम से कोई भी बंदे का फोटो वो टीवी स्क्रीन पे नहीं लगाया है जब परफॉर्मर ऑफ द मंथ। सो उस दिन में जाके मैम को बोला, मैम ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है मेरे बर्थडे का, कि देखो मेरा नाम टीवी पे। सो उसके बाद फिर हम लोग ने बर्थडे सेलिब्रेट किए, टीम को एक और अवार्ड मिला फॉर द आउटस्टैंडिंग सपोर्ट फॉर द पीरियड ऑफ जुलाई टू सितंबर 2019। प्रणाली मैम और टीम को यह अवार्ड दिया गया। देन सईदा मैम जो हमारी मैनेजर है उनको भी बेस्ट मैनेजर ऑफ दैट पीरियड का अवार्ड दिया गया। देन स्नेहा मैम की बर्थडे पार्टी भी इंजॉयड। हम लोग ने सब सीजन सेलिब्रेट किए, सब फेस्टिवल सेलिब्रेट किए अच्छी तरह से। तो यस, बहुत सारे इमोशन शेयर किए, बहुत कुछ सीखने मिला कंपनी से, जो मैंने दो इच्छा दोस्त के सामने प्रकट की थी कि यस ये दो इच्छा मेरे को करना है, यहाँ पे काम पे लगना है, वो दो इच्छा सडन मेरी पूरी हो गई थी। एक तो सिपला में जहाँ पे मैं वर्क किया, और उसके बाद इंडिया बुल्स में 2 साल 6 महीने बहुत सारे दोस्त लोग कमाए, बहुत कुछ सीखने मिला, बहुत सारे फील्ड्स में काम करने मिला एक ही जगह पे, लाइक कॉलिंग हो, आउटबाउंड कॉल्स, इनबाउंड कॉल्स, मेलिंग टीम हैंडल करना, चैट प्रोसेस हैंडल करना, और मैंने रिस्क टीम के साथ काम किया, मिला ये सारी चीज़ें सीखने मिली। सो बहुत बेनिफिट हुआ है ये सबसे अभी तक। रियल अच्छे मिले, मैनेजर अच्छे मिले। सो वो शैलन सर से लेके वेदांत या फिर मैनेजर हो सईदा मैम या फिर दीपक सर, सारी चीज़ें कम टाइम में सीखने मिली। सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था एंड ये सबको ज़रूर मैं मिस करूँगा। सो फिर उसके बाद सडन वापस से एक पीरियड आता है, वो था मार्च का महीना, जहाँ पर पूरा वो कोरोना वायरस एन इशू के वजह से लॉकडाउन लगा दिया। सो वर्क फ्रॉम होम चालू हुआ, वर्क फ्रॉम चालू होते मेरे इश्यूज़ बढ़ने लगे, तब बहुत सारे इश्यूज़ हो रहे थे। तो ये सब कोविड के पीरियड के जहाँ पर सब जगह पूरा गंदा सिचुएशन था, तो मेरे साथ भी एक गंदा सिचुएशन हुआ, वो था आई लॉस्ट माई ग्रैंड फादर, वो डेट 23 अप्रैल 2020, जहाँ पर मैं अपने दादाजी को गवा बैठा। फिर उसके बाद से भी सब सिचुएशंस गंदा चल रहा था, सब डीमोटिवेटिंग चल रहा था पूरे इंडिया में। देन फिर कुछ जून या फिर जुलाई मंथ 1 महीने के लिए ऑफिस में बुलाया गया वापस से, कि वर्क फ्रॉम ऑफिस चालू कर रहे करके, बट कुछ हम लोग ने 1 महीना ही वहाँ पे कुछ काम किया, देन वापस वर्क फ्रॉम होम चालू था हम लोग का। सो ये जो ऑफिस में हम लोग ने लास्ट पल बिताए थे, और ये वो ऑफिस की लास्ट सेल्फी थी जो हम लोग ने ली थी, और जितने भी लोग ये बोर्ड के ऊपर मेंशन है, जितने भी लोगों का नाम मेंशन है, मैं सभी को मिस करूँगा। और इसके बाद फिर वर्क फ्रॉम होम करते करते मैंने रिज़ाइन डाला था 17 जनवरी 2021 को। सो 90 डेज में भी पीरियड सर्व किया, और उसके बाद आज ये मेरा लास्ट डे है कंपनी के साथ। सो विल मिस यू ऑल गाइस, माई डियर्स, माई मैनेजर्स, प्रणाली मैम, सईदा मैम, शेल्डन सर, दीपक सर, वेदांत सर, सबको मिस करूँगा। सो अभी सभी को फाइनल बाय, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।